असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही तो असली ठाट है। न बचपन का होमवर्क, न जवानी का संघर्ष, न 40 की परेशानियां, बेफिक्र दिन और सुहानी रात है। जी हां, तभी तो कहते हैं कि जीने की असली उम्र तो 60 है और बुढ़ापे में ही ठाट है। न स्कूल की जल्दी, न ऑफिस की किटकिट, न बस की लाइन, न ट्रैफिक का झमेला, सुबह बाबा रामदेव का योगा और दिन भर खुली धूप, दोस्तों यारों के साथ राजनीति पर चर्चा आम है। तभी तो कहते हैं कि जीने की असली उम्र तो 60 है और बुढ़ापे में ही असली ठाट है। ना मम्मी डैडी की डांट, ना ऑफिस में बॉस की फटकार, दोहते पोतों के खेल, बेटे और बहू का प्यार, इज्जत से झुकते हैं सबके सर, इसलिए आशीर्वाद और दुआओं की भरमार है। तो कहते हैं कि जीने की असली उम्र तो 60 है और बुढ़ापे में ही असली ठाट है। न स्कूल का डिसिप्लिन, ना ऑफिस में बोलने की कोई पाबंदी, न स्कूल का डिसिप्लिन, ना ऑफिस में बोलने की कोई पाबंदी, न घर में बुजुर्गों की रोक टोक, खुद बुजुर्ग हो गए ना, न स्कूल का डिसिप्लिन, ना ऑफिस में बोलने की कोई पाबंदी, न घर में बुजुर्गों की रोक टोक, खुद बुजुर्ग हो गए, इसलिए खुली हवा में हंसी के ठहाके, बेफिक्र बातें, किसी को कुछ भी कहने के लिए आजाद है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। तो दोस्तों, मेरे हम उम्र दोस्तों, मेरे सीनियर सिटीजन दोस्तों, सदा खुश रहो, सेहत याब रहो, मैं आपके लिए यही कामना करता हूं। और यह सच है कि समाज में बुजुर्गों का एक अहम योगदान है। आप जिंदगी के मजे से जीते हुए अपने परिवार के साथ जिंदगी के मजे कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।